देखिए, काम धंधा तो सबके पीछे लगा रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी को बच्चे से अपना ध्यान हटा देना चाहिए। भगवान ना करे अगर कोई इस बच्चे को उठा ले जाता तो आप लोग क्या करते? वो तो अच्छा हुआ ये बच्ची थोड़ी बहुत बोल लेती है, इसलिए पुलिस को इसे ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हवलदार जी साहब, आप लोग जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। बंद करो इसे, बंद करो, चुप, बंद करो इसे। बता सकते हैं आप पे किए गए इतने खतरनाक कातिलाना हमले के पीछे क्या राज है? सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अपना फर्ज निभाते निभाते फर्ज निभा रहे हो तुम। दरअसल फर्ज निभाने की आड़ में तुम अपने भाई राज सिंघानिया की मदद कर रहे हो। नहीं सर, जो ख्वाब देख रहा है फिरता है सिंघानिया का पावर हासिल करने का, इसलिए सामने वाली गैंग ने तुम पर हमला किया। दरअसल यह हमला इंस्पेक्टर प्रेम पर नहीं सिंघानिया के बेटे पे था, और मारे गए ये बेगुनाह लोग सिर्फ तुम्हारी वजह। सर ये सरासर इल्जाम है कि मैं अपने बड़े भाई की मदद कर रहा हूं। तो तुम ये साबित करके बताओ, सबूत दो इस बात का कि तुम्हारा और राज सिंघानिया का रास्ते अलग अलग है। क्या सबूत चाहिए तुम्हें? कल सिंघानिया ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक माल लेकर आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि यह ट्रक तुम पकड़कर पुलिस के हवाले करो, और अगर यह डील कैंसिल हुई तो याद रखना मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि तुमने इस डीलिंग के लिए अपने भाई को मना कर दिया। सर अगर ऐसी बात है तो माल पकड़ने में खुद जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि इस मिशन में इंस्पेक्टर पवार मेरे साथ रहे।